आज डिस्कस करेंगे फैराडे का सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे देखो भैया, इसने क्या बोला है, इसका स्टेटमेंट सुन लो क्या है। देखो हमारे पास मान लो बेटा दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है लेनी बेटा आपको दो या दो से ज्यादा है, ठीक है। मैं दो सेल का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। इसके अंदर भैया हमने मेटल की रॉड डाल दी है या ग्रेफाइट की डाल सकते हैं, बट रॉड होनी चाहिए बस, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दी है, इलेक्ट्रोलाइट डाला है बेटा कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक। और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला है ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक। और साथ में इसको कनेक्ट कर दिया है बेटा मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है दोनों सेल को। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं, देखो पहली वाली सेल का जो एनोड है और दूसरी वाली सेल का जो कैथोड है उसको कनेक्ट कर दो आपस में, और बाकी जो ये इलेक्ट्रोड बचे इनको एक वायर से कनेक्ट कर दो। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और आपने ये पढ़ा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम होता है। अगर आपने इन दोनों सेल को सीरीज में लगा रखा है तो जितना करंट इसमें जा रहा होगा उतना ही करंट इसमें जा रहा होगा, या आप ये भी कह सकते हैं जितना चार्ज इसमें जा रहा होगा उतना ही चार्ज इसमें जा रहा होगा। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है आई इंटू टी, भाई जितना करंट पास करो जितने टाइम के लिए इसमें पास करे उतना तो इसमें पास करोगे, तो चार्ज भी तो सेम ही होगा। क्लियर है, नहीं है? आप देखो, आपको ये पता है जब भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं आप तो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होगी। मैं कैथोड वाली रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉपर आयन रिलीज होंगे वो कॉपर आयन इस कैथोड पर डिपोजिट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ZnSO4 से जो ZnIon रिलीज हो रहे हैं वो इस कैथोड पर डिपोजिट हो रहा है रिएक्शन की वजह से। ये जो फैराडे ने एक लॉ यहाँ पर बनाया था, इन्होंने इनका कहना ये था कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सेम चार्ज पास करते हो तो ऐसी कंडीशन में जो डिपोजिटेड मास है, जैसे यहाँ पर कॉपर का जो डिपोजिटेड मास है वो इस कॉपर के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इक्विवेलेंट मास। अरे आई बात समझ, ठीक है। तो इस सेल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं मान के चल रहा हूँ कॉपर के लिए जो वेट डिपोजिट हो रहा है वो W1 है और कॉपर का जो इक्विवेलेंट मास है वो E1 है, मैंने ये मान लिया तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब दूसरी सेल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ जो जिंक का मास डिपोजिट हो रहा है उसको मैं W2 लिख देता हूँ और जो इसका इक्विवेलेंट मास है इसको लिख देता हूँ E2। यहाँ तक तो समझ में आ गया सब, ये आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर W1 डिवाइडेड बाय W2 और ये हो जाएगा आपका E1 डिवाइडेड बाय E2। ये होता है बेटा फैराडे का सेकेंड लॉ, लेकिन इसका यूज हम कभी भी नहीं करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए। मैं एक फॉर्मूला और जनरेट कर रहा हूँ वो आपके लिए आसान होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं? पता है नहीं? नहीं पता तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। एक बार बताओ बेटा, यहाँ पर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं क्या, W1 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल्स टू W2 डिवाइडेड बाय E2, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा? यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला है मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में लिखवा रखा है, इसका फॉर्मूला ये होता है इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंस इफेक्ट। अगर एटम है तो एटॉमिक मास और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट में। अगर बच्चों यहां पर मैं E की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा रिलेशन, देखो W1 डिवाइडेड बाय M1 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 1 इक्वल्स टू W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2। कोई दिक्कत यहां तक, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अब ये वैलेंसी फैक्टर तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो W1 डिवाइडेड बाय M1 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर 1 इक्वल्स टू W2 M2 और वैलेंसी फैक्टर 2। क्लियर है? अब W डिवाइडेड बाय M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पर N1 लिख सकता हूं और मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। बेटा इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मुझे जब न्यूमेरिकल करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब यह है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड डिपोजिटेड और लिबरेटेड लिबरेटेड इन सेल वन इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड डिपोजिटेड और लिबरेटेड लिबरेटेड इन सेल टू। समझाता हूँ बेटा इसका मीनिंग क्या। देखो जैसे इसी सेल के एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां पर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, यहां पे जेटन का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो बात, यहां पर जब आप सीरीज में कनेक्ट करके इसमें करंट पास कर रहे हैं तो इक्वल चार्ज यहां पे पास हो रहा है, तो बेटा यहां पर कॉपर का जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिपोजिट होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसका डिपोजिट होगा, जेटन का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो सेल आपकी सीरीज में कनेक्टेड है और अगर कैथोड पर डिपोजिशन हो रहा है तो डिपोजिट होने वाले जो सब्सटेंस है उनका ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं यहां पे चार सेल भी लगा दूंगा ना तो चारों सेल में जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उनमें कॉमन बात क्या होगी, सभी के ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अरे आया समझ में, नहीं क्लियर है? अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो प्रॉब्लम क्या दे रखी है आप लोगों को, थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी एंड सी कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। भैया तीन सेल हैं आपके पास, ए और बी और सी, और तीनों के अंदर बेटा ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। आगे क्या कह रहा है देखो, एक करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.25 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ द सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, आपसे टाइम पूछा गया। डाटा में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, करंट दे रखा है आपको 1.5 एम्पियर, और इस करंट की वजह से सिल्वर का कितना डिपोजिशन हुआ, कितना हो रहा है 1.45 ग्राम, इतना डिपोजिशन हो रहा है। टाइम पूछा जा रहा है कितने टाइम तक करंट को पास करा गया। दूसरे वाले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर और ZN वर डिपोजिटेड, कितना कॉपर का वेट डिपोजिट हुआ, कितना ZN का वेट डिपॉजिट हुआ, इनकी वैल्यू पूछी जा रही है। सबसे पहले बेटा मैं टाइम निकालूंगा, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए मुझे डाटा दे रखा है, सिल्वर का वेट दे रखा है और यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी है, तो वेट वाला फॉर्मूला लगा दो, वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। अब सिल्वर का वेट कितना दे रखा है आपको, 1.45, एटॉमिक मास कितना है 108, और करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5। टाइम मुझको निकालना है 96500 और वैलेंसी फैक्टर कितना है। अब ये देख लो बेटा, सिल्वर पे चार्ज कितना होता है, प्लस वन होता है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, यहाँ पे वन रखना, ठीक है। तो टाइम निकाल लो यहाँ से, 1.45 मल्टीप्लाई 96500 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई 1.5, कितना सेकंड आपका टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आगे क्या पूछ रहा है आपसे, कॉपर और ZN का डिपोजिटेड मास पूछ रहा है, ठीक। अब हमें ये पता है कि भैया जितना ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर का डिपोजिट हुआ होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर का डिपोजिट हुआ होगा, उतना ही ZN का, क्योंकि भैया ये सेल आपकी किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। फैराडे का सेकंड लॉ ये तो कहता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ZN इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। अरे इक्वल होंगे नहीं होंगे, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, क्लियर है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूं सिल्वर के, तो मुझे बाकी के ही पता चल जाएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर का निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या बताया था फॉर्मूला बेटा, एन तो मुझे दे नहीं रखा, वेट दे रखा है, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देता हूं, वेट कितना दे रखा है 1.45 और एटॉमिक वेट कितना है 108 मल्टीप्लाई बैलेंस इफेक्ट है 1, इतना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया मेरा, सही है।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जेड एन इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बैलेंस इफेक्ट। जेड एन का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, इतना ही होगा। तो यहाँ पर आपका 1.45 डिवाइडेड बाय 108 वेट मुझे निकालना है जेड एन का। मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना है, 65.3 मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। यहां से वेट निकाल लो बस, आप निकल गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। फॉर्मूला वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर, कितना होगा ग्राम इक्विवेलेंट इसका, सेम ही होगा 1.45 डिवाइडेड बाय 108 वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 और बैलेंस फैक्टर 2, चार्ज 2 होता है ना इस पर, ये हो जाएगा भाई। इसको सॉल्व कर लो, वेट निकल जाएगा। देखिए अगर कभी भी आपसे, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, मैंने ये तो बताया था बेटा कि अगर आपको एक डिपॉजिटेड मास दे रखा हो और बाकी के पूछे जा रहे हो तो ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर दिया करो, बराबर कर दिया करो। भाई इनके डिपॉजिटेड मास पूछे जा रहे हैं ना, तो आप क्या करो, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके इक्वल और इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके इक्वल, सबके बराबर होंगे। फिर आप सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट निकालो क्योंकि इसके इसी का डाटा दे रखा है। तो मैंने सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया, कितनी वैल्यू आई, ये वैल्यू जो आई है यही किसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा, जेडन का भी होगा। तो जेडन का ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ही हो गया आपका, यहाँ पर रख दिया हमने वैल्यू, वेट निकाल लिया हमने यहाँ से, ऐसे ही उसका निकालना, सीधा क्वेश्चन है आपका। आया समझ में नहीं,